Hey, what's up guys, your host, I'm back with a new video and आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक के बारे में मैं कल भी बात की थी, परसों भी बात की थी, उससे पहले भी बात की थी और आज मैं यस बैंक के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि कल की मेरी प्रेडिक्शन थी वो ऑलमोस्ट राइट हुई है। कंसोलिडेशन आज भी है और यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट। मैं कल भी बोला था कि इसमें ट्रेड मत करो, गलती से भी इसमें ट्रेड मत करो और बहुत से लोगों ने मेरी राय सही मांगी, बहुत से लोगों ने वो वीडियो देखी भी और उनको समझ में आया कि इसमें आज ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं। बट मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूँ, जितनी मेरी मार्केट की नॉलेज है इसमें जो आप देख सकते हो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट है इसमें ब्रेकआउट आने वाला है ज़रूर। तूफान तो यस बैंक में ज़रूर आएगा और जैसा आएगा बहुत तबाही मचा देगा और मैं बोलता हूँ कि तैयार रहिएगा, यस बैंक में तूफान तो आने वाला है। पता नहीं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा किसी को पता नहीं, न्यूज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको इतना ही बता दूँ, 50 डेज का मूविंग एवरेज भी अभी यहाँ पे आ चुका है, इसका मतलब अपमूव बहुत बढ़िया अपमूव फॉर श्योर आने वाली है। सब अगर आप देखें तो यस बैंक यहाँ से कंसोलिडेशन में ही रहा है फ्रॉम 11-1 टू आज 11-18, मतलब 18 दिन यस बैंक कंसोलिडेशन में रहा है। यहाँ पे बीच में यहाँ पे इसने अच्छी मूव दी थी, अप मूव और डाउन मूव भी दी थी, लोगों ने यहाँ पे क्लियर प्रॉफिट निकाला है अपना जिन्होंने सही फैसला लिया था। बट आप देख सकते हो कि प्रॉपरली अगर देखें तो इसमें ना ढंग की अप मूव आई है ना ढंग की डाउन मूव आई है, ना बुल ठीक से काम कर रहे हैं ना ही बेयर ठीक से काम कर रहे हैं। पर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट्स में देख सकते हो कि यस बैंक जा रहा है अच्छी खासी तरह से। बट मैं कहूँगा कि ये कंप्लीट शेयर न्यूज़ बेस्ड रहेगा, आपको इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर, कंपनी के फंक्शनिंग के ऊपर, कंपनी के जो भी फैसले होंगे फ्यूचर के, जो इन्वेस्टर्स होंगे जो भी होंगे उनके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या सोच रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके कंपनी के अंदर जाए और मैनेजर से बात करें, ऐसा नहीं। जो न्यूज़ है उनके ऊपर ध्यान रखिएगा। मैं न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ, मैं इसके बारे में एनालिसिस करता रहता हूँ कि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपको हर रोज़ न्यूज़ देता रहूँगा। इंट्राडे वालों थोड़े दिन के लिए दूर रहो, पता नहीं इसमें कब बड़ी मूव आ जाए, सारा अपने मार्जिन पे उठाया रहेगा शेयर, सबका सब चला जाएगा आपका अगर गलत मूव निकली तो। अगर राइट निकली तो आपका डबल भी हो सकता है, वो अलग बात है। बट जो लॉन्ग टर्म वाले हैं स्टे काम एंड कूल। अगर आपने बाइंग पोजिशन रखी है तो काम रहिएगा, अगर आपने सेलिंग पोजिशन रखी है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। यहाँ पे मैं बताऊँगा प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा, स्टॉप लॉस आपका ध्यान में रखो। अगर आपने बाइंग पोजीशन बनाई है तो मैंने आपको दिया है ये, आपको जो 67 का जो स्टॉप लॉस दिया है वो ध्यान में रखो, 67 के स्टॉप लॉस को सीरियसली लो थोड़ा। और आपने अगर सेलिंग पोजीशन बनाई रखी है तो मैं इतना ही कहूँगा कि बाहर निकल जाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है और स्टॉक ऊपर ज़रूर जाएगा, इतनी मेरे टेक्निकल एनालिसिस कह रही है कि। बट अगर आपने आपको लगता है कि स्टॉक नहीं, आपकी एनालिसिस सही है, स्टॉक नीचे जाएगा तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। मैं शॉर्ट वालों को स्टॉप लॉस नहीं दूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये शॉर्ट वालों को प्रॉफिट हो सकता है इसमें। सो आज के लिए यस बैंक के लिए इतना काफ़ी है, मैं कहूँगा कि ये राइट टाइम है बाय करने का, राइट टाइम टू बाय तो 67 पे बता दिया था बहुत कुछ जनों ने बाय की, अभी भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादा भी प्राइस इसका नहीं बढ़ा है, आप अभी भी बाय कर सकते हो। 75 का मैंने टारगेट दिया हुआ है, अचीव हो सकता है। सो दैट्स फॉर टुडे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने यस बैंक में इन्वेस्ट किया है या निफ्टी के अंदर काम करते हो या फिर कोई भी शेयर के बारे में जानना चाहते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे पर्सनल DM कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, इट्स योर होस्ट रोहित पाटिल साइनिंग ऑफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वन। Yeah.
bitch.